बेटा किसका सामान है ये? आप दोनों का। I'm sorry, लेकिन आउट हाउस में अब आप दोनों के लिए कोई जगह नहीं। आप दोनों मेरे साथ ना बहुत रह लिए, अब आपको दादी सा के पास घर लौट जाना चाहिए। आउट हाउस कोई दूसरे शहर में थोड़ी है, मासा को हमारी जरूरत होगी तो हम लोग बिल्कुल चले जाएंगे उसी वक्त। पर तुझे अकेला नहीं छोड़ सकते ना बेटा, तू किसी परेशानी में फंस गई तो? पापा लेकिन घर कोई दूसरे शहर में थोड़ी है, अगर मुझे आप लोगों की जरूरत लगी तो आप और माँ तुरंत मेरे पास आ जाना। चलिए चलिए चलिए, दादी साहब को आराम की जरूरत है, माँ जल्दी जाइए जल्दी जाइए। गो 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 गो। तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? हमीरा, आई नो तुम रह लोगी पर मुझे तुम्हें अकेला छोड़ते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। तुम बेफिक्र हो कि दादी साहब के पास जाओ, मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। मुझे नहीं रहा, मुझे नहीं। जाओ जाओ। तू उस घर में कभी नहीं जाएगी, पोद्दार परिवार से तेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, तू आज के बाद उस घर में कदम नहीं रखेगी। बोल। सॉरी बेटा, प्यार उम्मीद और जब तक अरमान और अभीरा की शादी नहीं हो जाती मेरी उम्मीद जिंदा रहेगी। इसे पता कि इस गुरुद्वारे का हलवा हमें पसंद है और हम सोच रहे थे कि परिवार में से कोई भी हमारी परवाह नहीं करता। बचपन में आपने मुझे गोल्फ खेलना सिखा दिया था, याद है कैसे आप और मैं दोनों गोल्फ खेला करते थे? दादी साहब चलिए ना गोल्फ खेलते हैं। गोल्फ हमारा मनपसंद खेल था, उसके बहाने हम अपने पोते के साथ वक्त बिताया करते थे। लेकिन आजकल हमारा पोता कहीं खो गया है। मैं यही हूं दादी साहब। नहीं, अब तुम उस लड़की के पीछे हो, पागल हो, दीवाने हो, हमारे पोते नहीं हो। कड़ा प्रसाद था इसलिए हमने खा लिया, आगे से हमारे लिए कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम उस लड़की को कभी नहीं अपनाएंगे। थैंक यू दादी साहब को कड़ा प्रसाद भिजवाने के लिए। कैसा प्रसाद? मैंने तो कोई प्रसाद नहीं दिया। तुमने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।